साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पांचवा एडिशन ऐसे स्थान पर हो रहा है जिससे ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में मानवता की सेवा करने वाली महान विभूतियों को पैदा किया है। ये फेस्टिवल ऐसे समय में हो रहा है जब 7 नवंबर को डॉक्टर सीवी रमन और 30 नवंबर को जगदीश चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाएगी। साइंस के इन ग्रेट मास्टर्स की लिगेसी को सेलिब्रेट करने और 21वीं सदी में उनसे प्रेरणा लेने के लिए इससे बेहतर कोई संयोग नहीं हो सकता, और इसलिए इस फेस्टिवल की थीम रीजन रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन तय करने के लिए आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थीम 21वीं सदी के भारत के मुताबिक है और इसी में हमारे भविष्य का सार है। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर प्रगति की है। भारत का भी इसमें बहुत समृद्ध अतीत रहा है। हमने दुनिया को बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं। हमारा अतीत गौरवशाली है, हमारा वर्तमान साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से भरा हुआ है। इन सब के बीच भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अनेक गुना बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारियां मानवीय भी हैं और इनमें साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलने की अपेक्षा भी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रही है। साथियों, देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। एक ऐसा इकोसिस्टम जो प्रभावी भी हो और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देने वाला भी हो। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। इसी सोच के साथ बहुत ही कम समय में देश में 5000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि साइंस को लेकर हमारे यंग स्टूडेंट्स में रुचि की एक नई लहर पैदा हुई है। इस शक्ति को, इस एनर्जी को 21वीं सदी के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में सही दिशा में ले जाना, सही प्लेटफॉर्म देना हम सबका दायित्व है। साथियों, एक जमाना था जब कहा जाता था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कुछ अर्थों में सही भी है, लेकिन समय के साथ मानव ने आवश्यकता के लिए आविष्कार से आगे बढ़कर ज्ञान विज्ञान को शक्ति के रूप में
संसाधन के रूप में कैसे उपयोग में लाए, इस दिशा में बहुत साहसपूर्ण कार्य किए। आविष्कार ने अब मानो आवश्यकताओं का ही विस्तार कर दिया है। जैसे इंटरनेट के आने के बाद एक नई तरह की आवश्यकताओं का जन्म हुआ, और आज देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट के आने के बाद पैदा हुई आवश्यकताओं पर लग रहा है। अनेक क्षेत्र जैसे हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, या इंसान की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी तमाम जरूरतें, अब इंटरनेट उनका आधार बन रहा है। आप बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल की कल्पना करके देखेंगे तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि कैसे एक आविष्कार ने अब आवश्यकताओं का दायरा बढ़ा दिया है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी आवश्यकताओं के नए द्वार खोल दिए हैं, डायमेंशन का ही विस्तार कर दिया है। हर कोई जानता है कि प्लास्टिक से प्रदूषण की स्थिति क्या है। क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल बनाने की चुनौती ले सकते हैं जो प्लास्टिक की जगह ले सके? क्या ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का बेहतर तरीका खोजने की चुनौती हम ले सकते हैं? कोई ऐसा समाधान जिससे सोलर पावर के उपयोग में बढ़ोतरी हो सके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सामान्य मानवी तक पहुंचाने के लिए बैटरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इनोवेशन हम कर सकते हैं क्या? साथियों, हम ये सोचना होगा कि हम अपनी लैब्स में ऐसा क्या करें जिससे करोड़ों भारतीयों का जीवन आसान हो। हम स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या का क्या कोई हल निकाल सकते हैं? कैसे हम लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचा सकते हैं? क्या हम कोई ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिनसे हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च कम हो सके? क्या हमारा कोई आविष्कार किसानों को लाभ पहुंचा सकता है, उनकी आय बढ़ा सकता है, उनके श्रम में मदद कर सकता है? साथियों, हमें सोचना होगा कि साइंस का उपयोग कैसे लोगों के जीवन को सुगम बनाने में किया जा सकता है, और इसलिए साइंस फॉर सोसाइटी का बहुत महत्व है। जब सभी वैज्ञानिक, सभी देशवासी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश का भी लाभ होगा, मानवता का भी लाभ होगा। साथियों, एक और अहम बात हम सबको याद रखनी है। आज हम फटाफट युग में जी रहे हैं। एक प्रकार से फटाफट का ज्वार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। हम 2 मिनट में नूडल्स और 30 मिनट में पिज्जा चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रक्रियाओं को लेकर हम फटाफट संस्कृति वाली सोच नहीं रख सकते। हो सकता है कि किसी खोज का असर तुरंत ना हो, पर आने वाली कई सदियों को इसका लाभ मिले। एटम की खोज से लेकर साइंस के मौजूदा स्वरूप और स्कोप तक हमारा अनुभव यही बताता है कि इसलिए मेरा आपसे आग्रह ये भी होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में भी साइंटिफिक टेंपर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। और इन सारे प्रयासों के बीच आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों, उसके मानदंडों का भी हमेशा ध्यान रखना। आपको अपने इन्वेंशंस, अपने इनोवेशन से जुड़े अधिकार, उनके पेटेंट को लेकर अपनी जागरूकता भी बढ़ानी होगी और सक्रियता भी। इसी तरह आपकी रिसर्च ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल साइंस मैगजीन्स में, बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थान पाए, इसके लिए भी आपको निरंतर सजग रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए।
आपके अध्ययन और सफलता का अंतर्राष्ट्रीय जगत को पता चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि विज्ञान बिना दो चीजों के संभव ही नहीं है। ये दो चीजें हैं समस्या और सतत प्रयोग। अगर कोई समस्या ही ना हो, अगर सब कुछ परफेक्ट हो, तो कोई उत्सुकता नहीं होगी। उत्सुकता के बिना किसी नई खोज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। वहीं कोई भी काम अगर पहली बार किया जाए तो उसके परफेक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत बार मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। वास्तव में ये विफलता नहीं है, सफलता के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसलिए साइंस में फेलियर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और आखिर में सक्सेस होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और जीवन में भी कभी रुकावट नहीं आएगी। भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ, और ये समारोह सफलता के साथ आगे बढ़े, देश की विज्ञान की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती से नए विचार, नई ऊर्जा, नई शक्ति देश को मिले, ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।